अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नासिक में 53वें निरंकारी समागम की तैयारियां पूरी, 24 जनवरी से होगा शुभारंभ, आएंगे लाखों श्रद्धालु। सत्य, प्रेम और एकत्व का संदेश देने के लिए नासिक में 24 जनवरी से 53वें संत निरंकारी समागम की शुरुआत होगी। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस समागम के लिए सभी तैयारियां संपूर्णता की ओर हैं। बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। पब्लिसिटी इंचार्ज सुश्री राजकुमारी जी ने मिशन के मानवता और विश्व बंधुत्व के संचालित उपक्रमों और कार्यों पर रोशनी डाली। वहीं प्रचार विभाग के कोऑर्डिनेटर विवेक मौजी ने समागम की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने निरंकारी मंडल को स्वयं में ईश्वर का बोध कराने वाला मिशन बताया और उसका अनुभव करने के लिए 53वें समागम में आने और आध्यात्मिक लाभ उठाने का आह्वान किया। पीर बलि दुनिया में आए, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहा, ये सत्य का संदेश देकर कि ये परम पिता परमात्मा जिसने ये दुनिया बनाई है, दुनिया सारी इसकी पूजा कर भी रही है, रात दिन बंदगी कर भी रही है, नाम ले रही है, लेकिन जानती नहीं परमात्मा है कहाँ पर। लेकिन जब पूरा सतगुरु दुनिया में आता है, इस परम पिता परमात्मा की पहचान करवाता है। आज ये निरंकारी संत इस परम पिता परमात्मा को देख कर इसकी बंदगी कर रहे हैं और सत्य का संदेश कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक परिवार है, प्यार से रहना है दुनिया में। संत समागम की महत्ता को बचपन से सुनते आए कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। ये वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र का जो नासिक में हो रहा है, इसके पीछे भाव यही है कि वही संतों महात्माओं का, ऋषियों महर्षियों का जो एक भाव था, इंसान को मानवता के प्रति एक संदेश था, परमात्मा के साथ ईश्वर के साथ जोड़ने का एक भाव था, ताकि हम इस प्रभु परमपिता परमात्मा को जान करके भक्ति करें। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, सभी की अपनी अपनी एक पूजा पद्धति है, सभी की अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो सतगुरु का ये कहना है कि आप जिसको मानते हो उसको जान करके उसकी भक्ति करो। जिस शक्ति जिस ताकत के साथ हम जुड़े हैं, इससे पहले हम जान लें ये परमात्मा ईश्वर है क्या। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तो स्वयं को भी जान लेते हैं कि मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, दरअसल मैं इस परमपिता परमात्मा का ही ये तत्व हूँ, इसी की अंश हूँ। और इसी के दृष्टिकोण से जब मैं ज़िंदगी जीता हूँ तो सारी दुनिया सारा संसार मुझे उस दृष्टिकोण से अपना लगता है। जैसे निरंकारी मिशन का इस वर्ष संत समागम का कवि दरबार का एक शीर्षक है कि मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया, इस ब्रह्म के साथ प्रभु परमपिता परमात्मा के साथ हमारी आत्मा का नाता जोड़ करके ये एहसास कराया जाता है कि भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, आश्रम, ये सारे की सारी जितनी बातें हैं, इनसे ऊपर उठ करके हम जब उस दृष्टि से देखेंगे तो सारी दुनिया सारा संसार एक परिवार नजर आएगा। और इसी एक परिवार का रूप बन करके, सदस्य बन करके जब हम बाहर निकलेंगे तो दूसरे का दुख अपना दुख महसूस होगा, दूसरे की खुशी अपनी खुशी महसूस होगी, और इस प्रकार से स्वर्ग का सा वातावरण धरती पर स्थापित हो जाएगा। बता दें कि निरंकारी मंडल का 53वां समागम नवी मुंबई की बजाय पहली बार नासिक नगरी में हो रहा है। यहां महाराष्ट्र राज्य के अलावा देश विदेश के लाखों निरंकारी भक्त पहुंचने वाले हैं। समागम स्थल पर भक्तों को ठहरने, भोजन, आवागमन एवं आरोग्य सेवाओं का भी व्यापक इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।